हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ट्रायम्फ ऑफ लाइफ का लास्ट पार्ट है, फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट जो है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो पार्ट देख लीजिए ताकि आपको जो पोएम है वो पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो इसके पहले वाला जो पार्ट था, चौथा पार्ट, उसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे जो आयरिस देवी हैं वो धरती पर आई और उन्होंने जो है पोएट को वो लिक्विड पिलाया, वो मिराकुलस लिक्विड पिलाया, जिसकी वजह से जो है वो अपनी पुरानी चीज़ें भूलने लगे। पोएट एज इन लाइक, यहाँ पे जो जीन जॉक रॉसी हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ, वो है जो पोएट को अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बता रहे हैं कि कैसे वो इस दुनिया में उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, एलिगोरिकल वे में वो सारी चीज़ें उन्हें बता रहे हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने वो पोशन पिया जिससे कि जो है वो अपनी सारी पुरानी चीज़ें भूलने लगी। तो हमने लाइन 434 तक जो है डिस्कस कर लिया है। अब इस वीडियो में हम लाइन 435 से डिस्कस करेंगे और पूरी जो पोएम है यहीं पर ख़त्म करेंगे। With savage music, stunning music, crossed the forest, and as if from the dread war, triumphantly returning, the loud million fierce extolled the fortune of her star. तो हम जैसे कि जानते हैं कि जो procession है वो निकला हुआ है, जो poet है उन्हें वो procession दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही savage, stunning सा जो music है उसके साथ जो है ये forest को cross कर रहे हैं। Cross the forest and as if from some dread war, जैसे कि ये किसी बहुत ही भयंकर सी वॉर से, युद्ध से triumphantly जीत के वापस आ रहे हैं। और बहुत सारे जो millions of लोग हैं, extol करना यानी किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना, तो ये जो लोग हैं उनकी सितारों की तारीफ़ कर रहे हैं कि वाह तुम ये जो है वॉर तुम जीत के आ गए हो। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि तुम ये वॉर जीत के आ गए हो। A moving arc of the victory, the vermilion and green azure and plume of iris had. तो ये जो vermilion की बात चल रही है यहाँ पे, vermilion यानी सिंदूर जो होता है, तो जो जीतने के बाद वो सिंदूर लगाया जाता है उसके बारे में बताया है। And green and azure plumes of iris had built high over her winged pavilion. तो जो green और azure यानी blue color की तरह का जो wings हैं, ये iris जो देवी है उनके ऊपर है। जैसे कि हमारे इग्नू के बुक में दिया है कि ये जो लाइन है, मूविंग आर्च ऑफ विक्ट्री ऑफ द वर्मिलियन एंड ग्रीन अजूर एंड प्लूम्स ऑफ आयरिस हैड बिल्ट हाई ओवर हर विंग्ड पवेलियन, इसको उन्होंने बताया है, पवेलियन को डिस्क्राइब किया है कि पवेलियन जैसे कि हम जानते हैं इट्स अ लाइट ऑर्नामेंटल बिल्डिंग यूज फॉर एग्जीबिशन, लेकिन शैली जो है यहाँ पे उन्होंने विंग्ड पवेलियन को डिस्क्राइब किया है। तो वो आयरिस के लिए उन्होंने कहा है कि आयरिस होम वी मेट अर्लियर इन द पोएम, The pavilion formed like an arc of victory, जैसे कि victory का कोई जो arc होता है जिसमें बहुत सारे color है, green है, azure है, दूसरे दूसरे color मिले हुए हैं। और इसके अलावा ये जो pavilion है, it's also progressing ahead of procession, यानी procession के आगे जो है वो चल रहा है। This arch of life, ये जो arc है ये arc of life है, यानी जीवन को ये दर्शाता है। Iris represents life, its richness, its colorfulness, its joyous variety. Life like a dome of many colored glass stains until death tramples to it fragments and triplet reminds us of the lines in Adonis. तो ये जैसे कि life जो है इसमें बहुत सारे रंग होते हैं और ये life तब तक चलती रहती है जब तक कि जो मौत है वो आके उसे पूरी तरीके से दबा नहीं देती, बर्बाद नहीं कर देती। तो उसको जो है pavilion को उन्होंने वैसे यहाँ समझाया है। And underneath ethereal glory clad the wilderness and far before her flew, यानी कि उनके ethereal यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही fragile है, something that is very light and airy, ऐसी कोई चीज़ जो कि heaven से खुद direct चल के आ रही है। तो of course जो आयरिस देवी हैं उनकी और जो हम life की बात कर रहे हैं उसकी यहाँ बात कर रहे हैं, तो ये जो ethereal glory में लपेट के अपने आप को ये जो आई हैं इस जंगल में चल रही हैं। And far before her flew the tempest of splendor which forbade shadow to fall from leaf or stone. तो क्योंकि ये जिस तरीके से आई हैं तो क्या हो रहा है कि इनकी जो परछाई है वो किसी पत्ती या पत्थर पे नहीं पड़ रही है, ये ऐसे उड़ के आई हैं। The crew seemed in that light like atoms that dance with sunbeam. तो एटमीज की जो बात की गई है, इट दीज आर द मोड्स और ग्रेन्स और पार्टिकल ऑफ डेस्टिनी, धूल के जो पार्टिकल्स हैं उसके बारे में बताया गया है कि वो भी जो है सूरज की रोशनी में डांस करें। जैसे कि हम देखते हैं खिड़की से जब लाइट आती है तो बहुत सारे जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो उसमें हमें दिखाई देते हैं, उनके बारे में वो बता रहे हैं। सम अपॉन द न्यू एम्ब्रॉयडरी ऑफ फ्लावर्स दैट डिड इनहेंस द ग्रासी वास्चर ऑफ डेजर्ट, तो कुछ जो है जैसे कि फूलों के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी होती है हरियाली में वैसे चमक रहे हैं। प्लेड फॉरगेटफुलनेस ऑफ चारियट्स स्विफ्ट एडवांस, और कुछ जो है
जो चैरियट है, जो रथ है, वो आगे बढ़ रहा है. अदर्स स्टूड गेजिंग टिल विद इन द शेड, और बाकी जो है वो छाया में वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, घूर रहे हैं, वेट कर रहे हैं. ऑफ द ग्रेट माउंटेन इट्स लेफ्ट देम डिम, और फिर ये जो माउंटेन है उसकी जो रोशनी है, जिन्होंने उन्हें ऐसा डिम करके छोड़ दिया है, उधर पे वो वेट कर रहे हैं. अब जो कुछ लोग हैं दे आउट स्पीडेड इट, यानी कि उससे भी ज़्यादा तेज चल के आगे बढ़ गए. एंड अदर्स मेड सर्कल्स अराउंड इट लाइक क्लाउड्स दैट स्विम राउंड द हाई मून इन ब्राइट सी ऑफ एयर, और जो बाकी लोग हैं उन्होंने उसके आसपास ऐसे चक्कर लगाने लगे, जैसे कि जो आसमान जो बादल हैं वो चांद के आसपास चक्कर लगाते हैं, हवा जो चलती है वैसे ये जो है उनके आसपास चक्कर लगा रहे हैं. एंड मोर डिड फॉलो विद एग्जल्टिंग हिम, और बहुत सारे लोग जो हैं एग्जल्टिंग हिम यानी गाने गाते हुए उनको फॉलो कर रहे हैं. द चैरियट एंड द कैप्टिव्स फेटर्ड देयर बट ऑल लाइक बबल्स ऑन एन एडिंग फ्लड, और ये जो चैरियट है, जो रथ है, और जो रथ के आसपास जो एन्चेंटेड लोग हैं, ये जो है बबल्स की तरह, जैसे तूफान आने के ऊपर जो बुलबुले जो ऊपर छूटते हैं, वैसे जो है ये लोग उसके आसपास घूम रहे हैं. Fell into the same track at last and were born onward. और ये जो लोग हैं इनका भी वही हालत हुआ, यानी कि इनकी भी at the end मौत हो गई और फिर आगे वापस उनका जन्म हुआ. I among the multitude was swept, me sweetest flower delayed not long. इसी सब चीज़ के बीच में जो मैं swept हो गया, यानी मैं बह गया, इन्हीं सब चीज़ों के बीच में मैं बह गया, अटक गया. जो sweetest flowers हैं, जो सबसे मीठे जो फूल हैं, delayed not long, me not the shadow nor the solitude. अब ये जो फूल है उन्होंने मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराया, ना ही जो शैडो है और ना ही जो सॉलिट्यूड यानी अकेलापन जो है, जो शांति से अकेलापन जो मिलता है, उन्होंने भी मुझे इंतज़ार नहीं कराया. मी नॉट द फैंटम ऑफ दैट अर्ली फॉर्म विच मूव्ड अपॉन इट्स मोशन, और फैंटम यानी गोस्ट एक तरीके का है. तो जो है मैं और जो पुराने तरीके का जो फैंटम था उसके भी ऊपर मैं आगे बढ़ गया, उससे भी मैं आगे बढ़ चुका. बट अमंग द थिकेस्ट बिलोज ऑफ द लिविंग स्टॉर्म आई प्लांस्ड एंड बेयर्ड माई बॉसम टू द क्लाइम, लेकिन जो सबसे थिकेस्ट बिलो जो है, जो अभी जो जिंदा स्टॉर्म जो तूफान जो है, मैं आगे बढ़ा और मैंने अपनी छाती जो अपने जो बॉसम है, अपनी छाती जो है, मैंने उस कोल्ड वेदर को, उस कोल्ड डाइट को मैंने अपनी छाती पर ले लिया. ऑफ दैट कोल्ड डाइट हुज एयर टू सून डिफॉर्म, अब जो इसकी जो ये जो कोल्ड लाइट है, इसकी जो हवा है, ये भी धीरे धीरे डिफॉर्म होने लगी यानी टूटने लगी. बिफोर द चैरियट हैड बिगन टू क्लाइम द अपोजिट स्टीप ऑफ दिस मिस्टीरियस डेल, और जो चैरियट है, जो रथ है, ये इसके पहले कि ये ऊपर चढ़ पाता, ये कुछ मिस्टीरियस सी चीज़ हुई. बिहोल्ड अ वंडर वर्दी ऑफ द राइम, अब बिहोल्ड यानी देखो कि ये जो है जो राइम्स का बहुत ही वर्दी है, इसको तुम देखो. तो अब वो किसे देखने की बात कर रहे हैं ये हमें इस नेक्स्ट लाइन में पता चलेगा. Of him whom from the lowest depths of hell to every paradise and through all glory love led serene and who returned to tell. तो यहाँ पे जो है वो दांते की बात कर रहे हैं, जो कि lowest depth of hell यानी जो जहन्नुम है उसके सबसे नीचे नीचे हिस्सों से जो है वो उठ के वापस आए हैं पैराडाइज में, अपनी ग्लोरी जो अपने सब चीज़ें जो उन्होंने देखी है वहाँ पे, और कैसी कैसी चीज़ें बदल जाती हैं और कैसे हेल में सब कुछ है लेकिन प्यार नहीं है, वो सब चीज़ें बताने के लिए जैसे दांते जो है वो बाहर आए थे, वो उनके बारे में बता रहे कि दांते को तुम ध्यान से देखो. इन वर्ड्स ऑफ हेट एंड वी वंडर स्टोरी हाउ ऑल थिंग्स आर ट्रांसफिगर्ड एक्सेप्ट लव. तो अभी तक जो है हमें पता चला कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम कैसे जीतता है, अब जो है यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो लव है वो हर चीज़ के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है. तो हर चीज़ बर्बाद हो जाएगी लेकिन लव जो है वो बर्बाद नहीं होगा. फॉर डेफ एज ए सी विच रात मेक्स होरी द वर्ल्ड कैन हियर नॉट द स्वीट नोट्स दैट मूव. अब जैसे कि जब जो समंदर है वो आवाज़ें करता है लेकिन जो दुनिया है वो उन्हें सुन नहीं पाती, उन आवाज़ों को, जो मूवमेंट्स उनको वो सुन नहीं पाती है. द स्फेयर हुज लाइट इज मेलोडी टू लवर, और ये जो उस स्फेयर है जिसकी जो रोशनी है एक मेलोडी के समान है प्यार करने वालों के लिए. जब दिन होता है, रात होती है, तो जो प्रेम करने वाले लोग हैं उनके लिए एक मेलोडी के समान हो जाता है. आई वंडर वर्दी ऑफ हिज राइम द ग्रू डेंस विद शेडोज टू इट्स इन मोस्ट कवर्स द अर्थ वॉज ग्रे विद फैंटम एंड द एयर. यहाँ फैंटम की जो बात की गई है, द फिगर इन द प्रोसेशन शेड देयर शेडोज विद फैंटम डिफ्यूज अराउंड, यानी जो प्रोसेशन चल रहा था वहाँ पे फैंटम यानी गोस्ट लाइक जो चीज़ें हैं वो उसको कवर करके उसके आसपास ही चल रही थी. एंड द एयर वॉज पीपल्ड विथ डिम फॉर्म्स एज वेन देयर होवर्स अ फ्लॉक ऑफ वेम्पायर बैट्स बिफोर द क्लियर. जो हवा है वो उसके आसपास लोग एकदम डिम फॉर्म में घूम रहे थे, जैसे कि अ फ्लॉक ऑफ वेम्पायर बैट्स, यानी जो वेम्पायर बैट्स जो हैं, जैसे कि उनका एक ग्रुप, उनका जो जत्था है वो उसे हर तरफ से घेर के खड़ा है. बिफोर द ग्लेयर ऑफ द ट्रॉपिक सन ब्रिंग एयर इवनिंग,
और वो जो बैट्स का वेम्पायर बैट्स का जो जत्था है वो लोग कैसे रुकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उन्हें धूप पसंद नहीं है, तो जो धूप है उससे बचने के लिए वो लोग जैसे रुकेंगे जैसे छुपेंगे वैसे ही जो है ये लोग उसको कवर करके बैठे हैं। इस शाम में ब्रिंग एयर इवनिंग स्ट्रेट नाइट अपॉन सम इंडियन आइल, किसी जो इंडिया इंडिया जो है उसका कोई जो आइलैंड होगा उसके आसपास ये लोग वहाँ रुके हुए हैं। थस वर फैंटम्स डिफ्यूज्ड अराउंड, जो फैंटम्स हैं वो जो भूत हैं वो ऐसे ही आसपास फैले हुए हैं। एंड सम डिड फ्लिंग शैडोज ऑफ शैडोज, उसमें से जो कुछ है उन्होंने शैडो की भी परछाई की भी जो परछाई है उसको भी भगा दिया। येट अनलाइक देमसेल्व्स बिहाइंड देम, फिर भी उनकी तरह उनके पीछे सम लाइक ईगल्स ऑन द विंग, और जो कुछ हैं वो किसी चील जो कोई चील है पंख के ऊपर बैठी हो वैसे जो है वो आए। वर लॉस्ट इन द वाइट ब्लेस अदर्स लाइक एल्व्स, तो जैसे चील के पंख जैसे चील किसी पंख पे बैठ के आए और वो किसी वाइट ब्लेस में खो जाए वैसे वो आए, और जो कुछ है वो एल्व्स हैं, छोटे छोटे जो प्राणी होते हैं एल्व्स की तरह वो चल के आए। अदर्स लाइक एल्व्स डांस्ड इन द थाउजेंड अनइमेजिन शेप्स, जैसे जो एल्व्स हैं वो किस लाइक हम जो इमेजिन भी नहीं कर सकते अनइमेजिन शेप्स में जो डांस करेंगे वैसे वो आए। अपॉन द सनी स्ट्रीम्स एंड ग्रासी शेल्व्स, जो सनी स्ट्रीम्स और जो ग्रासी शेल्व्स है इसके ऊपर ये सब चीज़ें हो रही हैं। एंड अदर सैड चैटरिंग लाइक रेस्टलेस एप्स, और जो बाकी लोग हैं वो जैसे रेस्टलेस यानी जो एप्स यानी जो इंसान जो है वो बंदर से आया, तो बंदर के बाद जो एप्स थे वो कैसे मस्ती करते होंगे, उनको बिल्कुल शांति नहीं रहती होगी, बिल्कुल वो हमेशा रेस्टलेस रहते होंगे, वो कैसे बातें करते होंगे चैटर करते होंगे वैसे ये लोग जो भी हैं चैटर कर रहे हैं। ऑन वल्गर पास एंड वॉलीबल लाइक फायर, तो ये जो एप्स हैं उनके जो पॉज यानी जो पंजे हैं उसके बारे में बताया है। सम मेड अ क्रैडल ऑफ अर्माइन केप्स, अर्माइन जो है ये कोट तरीके की एक चीज़ है जो कि बहुत महंगी होती थी, इसलिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट पीपल जैसे कि जो राजा है या जज हैं सिर्फ वही इसको पहन पाते थे। ये जो है अर्माइन जानवर से आता था और इसको अगर आपने पहना तो मतलब आप सोसाइटी में कुछ बड़ी जगह पे हो। तो उनके बारे में बताया है। ऑफ किंग मैंटल सम अपॉन द टियर और पॉन्टिफ सेट लाइक वल्चर अदर्स प्लेट, टियर की जो बात की गई है वो पोप जो है वो टियारा पहनते थे, ये ट्रिपल क्राउन है जो कि डिग्निटी और सोवरेनिटी को बताता है उसको दर्शाता है। तो उसके बारे में बताया है। अदर्स प्लेट विद इन द क्राउन विच गर्ड विद एम्पायर अ बेबीज और एन इडियट्स ब्रो एंड मेड, और जो बाकी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं वो खेल कर रहे हैं खिलवाड़ कर रहे हैं जो उनको जिस एम्पायर में उन्हें रखा गया है, एक बच्चा है एक इडियट का ब्रो है, तो इस बारे में उसने खिलवाड़ कर रहे हैं उनके साथ में। देयर नेस्ट इन इट द ओल्ड एनाटॉमीज, जो एनाटॉमीज है वो स्केलेटन्स की बात करें जो लोग मर जाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें होती जा रही हैं, लोग आते जा रहे हैं और फिर वो मर जाते हैं, तो जो डेथ है वो इन राजाओं को ये लाइक जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जैसे कि राजा हुए पोप हुए जो डेथ है वो इन राजा लोगों को भी किसी को भी नहीं बख्शती है, उन सबको भी वो ख़त्म कर देती है। हमने देखा कि ऐसे टाइम इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा लव इम्पॉर्टेंट है, और अब जो है डेथ वो इन सब से भी ज़्यादा ऊपर है, तो वो उसके बारे में बता रहे हैं। सैट हैचिंग देयर बेयर ब्रूड अंडर द शेड ऑफ डीमन विंग्स एंड लव फ्रॉम देयर डेड आइज, तो अब जो डेथ है वो कैसे इनके ऊपर हंस रही है क्योंकि वो छाओ में जो उसको दिख रहा है कि अब जो ये लोग सब है ये मर चुके हैं, और जो है ऑफ डीमन विंग्स एंड लव फ्रॉम देयर डेड आइज, अब ये जो है जो लोग इनके जो डीमन विंग्स हैं जो शैतानी पंख हैं ये अपनी मरी हुई आंखों से हंस रहे हैं। टू रिज्यूम द डेलीगेट पावर, कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये लोग वापस जो इनके पास जो पावर थी इन्हें वो वापस मिल जाएगी। अरेड इन विच दीज वॉर्म्स डिड मोनार्चाइज हु मेक दिस अर्थ देयर चार्नल, तो चार्नल या कार्नल आई एम नॉट श्योर हाउ टू प्रोनाउंस बट ईदर वेज ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे मरे हुए लोगों की हड्डियाँ रखी जाती हैं, तो ये जो लोग मर चुके हैं इनकी हड्डियों को वहाँ रखा गया है। अदर्स मोर हम्बल लाइक फाल्कन्स सेट अपॉन द फिस्ट ऑफ कॉमन मैन, और जैसे ये जो है चील की तरह जो लोग थे उनके साथ ही हो रहा था, अब बाकी लोग जो थोड़े ज़्यादा हम्बल थे जो कि लाइक थोड़े नीचे थे डाउन टू अर्थ थे वो किसी फाल्कन की तरह जो है सेट अपॉन द फिस्ट ऑफ कॉमन मैन जैसे कि जो आम आदमी हुए फाल्कन की तरह, एंड राउंड देयर हेड्स डिड सोअर और स्मेल नैट्स एंड फ्लाइज एज थिक एज मिस्ट, ये जो लोग हैं नैट्स यानी कीड़े ही तरह फ्लाइज की तरह कीड़े मकोड़े टाइप के जो हैं उन लोग जो है छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की तरह उसको बता रहे हैं। ऑन इवनिंग मार्शेस थ्रॉन्ग अबाउट द ब्रो ऑफ लॉयर स्टेट्समैन प्रीस्ट एंड थ्योरिस्ट, अब वो किन किन लोगों की बात कर रहे हैं जैसे कि लॉयर हुए स्टेटमेंट्स हुए प्रीस्ट हुए थ्योरिस्ट हुए इनकी बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये उतने इंपॉर्टेंट लोग नहीं हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट हैं बट उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, हम्बल हैं ये काफ़ी।
एंड अदर्स लाइक डिसकलर्ड फ्लेक्स ऑफ स्नो. अब इनके अलावा जो बाकी बचे हुए लोग हैं, जैसे कि बर्फ जो है उसका रंग जब फीका पड़ जाता है उसकी तरह बाकी जो बचे हुए लोग हैं, ऑन फेयरेस्ट ब्लॉसम एंड द सनीएस्ट हेयर फेल एंड वर मेल्टेड बाय द यूथफुल ग्लो. और वो जो बाकी बचे हुए लोग हैं, इनका जो यूथफुल यानी जवानी के दिनों में जो ग्लो होता है वो अब धीरे धीरे पिघलता जा रहा है. विच दे एक्सटिंग्विश फॉर लाइक टीयर्स दे वर अ व्हील टू दोज फ्रॉम हूज फेंट लीड्स दे रेन्ड इन ड्रॉप्स ऑफ सोरो. अब क्या हो रहा है कि इनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये जो इनके जवानी के दिन थे ये एक घूंघट तरीके का था जो कि इनको बचा के रखता था. इनके जीवन में जो दुख थे एटलीस्ट वो जवानी के वक्त में उसे निकाल लेते थे, लेकिन अब जो है इनको बुढ़ापा आता जा रहा है तो उनकी आंखों से जो है वो दुख निकल रहा है. आई बिकेम अवेयर, जो मैं हूँ मैं अब ज़्यादा अवेयर हो गया हूँ, मुझे ज़्यादा अवेयरनेस है अपनी सराउंडिंग्स के बारे में. ऑफ वेंस दोज फॉर्म्स प्रोसीडेड थस स्टेन द ट्रैक इन विच वी मूव. अब ये जो फॉर्म्स हैं लोगों के ये आगे आगे बढ़ने लगे. और आफ्टर ब्रीफ स्पेस फ्रॉम एवरी फॉर्म इन द ब्यूटी स्लोली वेन. और क्या है कि जैसे पहला आप जब बेबी है, बेबी के बाद क्या होगा, फिर आप टीनेजर होंगे, फिर आप लाइक अडल्ट यंग अडल्ट होंगे, फिर आप अडल्ट हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे आपको जो है बुढ़ापा आने लगेगा. तो हर फॉर्म जो है ये धीरे धीरे इसकी ब्यूटी खत्म होने लगे. एजिंग ऑफ यूथ एंड ब्यूटी, इसके बारे में जो है पोएट ने यहाँ बताने की कोशिश की है कि जो हर फॉर्म है हर शेप है धीरे धीरे जो उसकी ब्यूटी है वो खत्म हो रही है. फ्रॉम एवरी फॉर्म इज लिम्ब एंड फेयरेस्ट फेस द स्ट्रेंथ एंड फ्रेशनेस फेल लाइक डस्ट. और जो शुरू में जो बहुत ही फर्म सा लिम्ब यानी जो हमारी मांसपेशियाँ हैं, जो बहुत ही फर्म था और फेयरेस्ट यानी जो सबसे सुंदर फेस था उसकी जो जो वो दोनों कॉम्बिनेशन है उनकी स्ट्रेंथ और उनकी फ्रेशनेस जो है वो किसी धूल के कण के समान जो है उनको छोड़ के जा रही है. एंड लेफ्ट द एक्शन एंड द शेप विदाउट ग्रेस. और ग्रेसफुली बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही लाइक डिसग्रेसफुली जो है उनको छोड़ के वो जा रही है. ऑफ लाइफ द मार्बल ब्रो ऑफ यूथ वॉज क्लेफ्ट विथ क्लियर इन द आईज वेयर वंस होप शोन डिजायर लाइक लायनेस बिरिफ्ट. और इनकी जो आँखों में जो है जवानी के दिनों में जहाँ पे होप चमका करती थी अब वहाँ पे जो है डिज़ायर यानी इच्छा है कि जैसे शेर के मन में जैसी लायनेस की जो मन में इच्छा होती है वैसी आँखों इनकी आँखों में इच्छा है, अब होप नहीं है. ऑफ इट्स लास्ट कब ग्लेयर्ड एयर इट डाइड. अब जैसे कोई शेरनी है जिसका जो बच्चा है वो मर जाएगा तो उसका जो आखिरी बच्चा था वहाँ पे जो मरा होगा वो उसके बारे में वो बता रहे हैं उसको कैसा लगेगा. Each one of that great crowd sent forth incessantly. और ऐसे ही जो है हर इस crowd का जो हर एक इंसान है वो ऐसे ही आगे बढ़ेगा. These shadows numerous as the dead leaves bloom. ये जो shadow हैं, ये जो परछाइयाँ हैं, ये ऐसी हैं जैसे कि जो सूखी हुई पत्तियाँ हैं जब वो हवा में कैसे उड़ती हैं वो बहुत सारी लाइक न्यूमरस बहुत ही ज़्यादा संख्या में वो उड़ती हैं, वैसे ही जो इनकी shadow है वो पड़ी हुई है. In autumn evening from a popular tree, each like himself and like each other were at first. और जो ऑटम के मौसम में पतझड़ का जो मौसम होता है वहाँ पे जो पॉपुलर का जो पेड़ है वो सारे एक जैसे होते हैं एट फर्स्ट बट सून डिस्टॉर्टेड सीम टू बी ऑब्स्क्यूर क्लाउड्स मोल्डेड बाय कैजुअल एयर. तो शुरू में तो ये सब एक जैसे होते हैं लेकिन जैसे जैसे हवा चलती है तो इनकी जो पत्तियाँ हैं वो नीचे गिरने लगती है. तो ये जो पेड़ों के थ्रू जो है पोएट ने क्या समझाने की कोशिश की है कि द शैडो अ पर्सन गेव ऑफ वर ईच इन सम एस्पेक्ट लाइक द पर्सन फ्रॉम होम दे डिराइव्ड एंड लाइक वन अनदर इन सम रिस्पेक्ट. कि हम जब किसी भी इंसान से मिलते हैं तो हमें लगता है कि ये इंसान दूसरे इंसान से अलग है लेकिन असल में जो है इस इंसान ने भी जो अपनी शैडो है किसी और इंसान से ली है. तो एट दी और फिर इसकी शैडो कोई और लेगा और उसकी शैडो कोई और लेगा तो एट दी एंड क्या है कि जो सभी इंसान हैं वो एक दूसरे से सिमिलर है किसी ना किसी रिस्पेक्ट में वो सिमिलर है. जैसे कि ये जो पेड़ हैं ये हैं वैसे ही वो भी सिमिलर हैं. Obscure clouds molded by casual air and of this stuff the car's creative ray wrought all the busy phantoms that were there. और फिर क्या है कि अब जो बादल है वहाँ पे से हवा चल रही है और किसी न किसी क्रिएटिव वे से जितने भी जो बिजी फैंटम्स है वो सब वहाँ पे आ चुके हैं. As the sun shapes the clouds thus on the way. और जो सूरज है वो इन बादलों को शेप दे रहा है, उनको जगह दे रहा है. मास्क आफ्टर मास्क फेल फ्रॉम द काउंटेनेंस. और फिर ये जो लोग हैं इनके चेहरे से जो मास्क है वो मास्क आफ्टर मास्क जो है वो गिरते जा रहे हैं. एंड फॉर्म ऑफ ऑल एंड लॉन्ग बिफोर द डे वॉज ऑल द जॉय विच वेक लाइक हेवन्स ग्लैंस. दिन जो है ये ख़त्म होने वाला है, उसके पहले इसके सामने जितने भी फॉर्म्स वो सारे फॉर्म्स आ चुके हैं और ये दिन है ये अब ख़त्म होने वाला है उतना ही पुराना. जैसे कि कोई खुशी का वक्त होता है तो आप कैसे खुश होते हैं और जो दिन है वो उस खुशी के साथ ही वो ख़त्म होता जा रहा है.
द स्लीपर्स इन द ऑब्लिवियस वैली डाइड, और इस ऑब्लिवियस वैली में जो सोने वाले जो लोग थे वो मर चुके हैं, एंड सम ग्रू वेरी ऑफ द गास्टली डांस, और ये जो डांस जो प्रोसेशन में जो डांस चल रहा है कुछ लोग जो है वो इस डांस को देख के थक चुके हैं, एंड फेल एज आई हैव फॉलन बाय द वे साइड, और वो उस डांस को देख देख के थक चुके हैं और वो जो है इस प्रोसेशन के साइड में वो गिर चुके हैं, जैसे कि जो जीन जॉ क्रॉसी है वो भी गिरे थे, वैसे ही ये जो लोग हैं ये भी गिर चुके हैं. Though soonest from whose form most shadow passed, the least of strength and beauty did abide. और वो लोग जो सबसे पहले वहाँ पहुँचे जिनके जो फॉर्म से बहुत सारी शेडोज को उन्होंने पास किया और इनमें जो सबसे कम स्ट्रेंथ और ब्यूटी अब बची हुई है. Then what is life? I said the cripple cast. अब यहाँ पे से जो है poet का fifth part चालू होता है. तो जो poet है वो जीन जॉ क्रॉसी को पूछते हैं यहाँ पे कि फिर life क्या है, क्योंकि जो प्रोसेशन चल रहा है सब कुछ हो रहा है जो लोग हैं वो मरते जा रहे हैं, तो फिर असल में जो लाइफ है वो क्या है. तो वो जो है जीन जॉ क्रॉसी को पूछता है, रॉसी जवाब देते हैं, हिज आई अपॉन द कार विच नाउ हैड रोल्ड ऑनवर्ड एज इफ द लुक मस्ट बी द लास्ट. तो इसकी जो आंखें है जीन जॉ क्रॉसी जो उन्होंने अपनी आंखें ऐसे रोल की जैसे कि आखिरी बार कोई करता है आंखें रोल, एंड आंसर उन्होंने जवाब दिया, हैप्पी दोज फॉर हुम द फोल्ड ऑफ. अब जो है ये आंसर कभी कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि पीबी शैली की जो है डेथ हो गई थी ये पोएम कंप्लीट कर पाने से पहले, और इसीलिए ये जो 548 जो लाइन है उसमें सिर्फ ऑफ यही एक वर्ड वो लिख पाए, उसके आगे वो नहीं लिख पाए, पोएम कंप्लीट नहीं कर पाए. तो ये जो पोएम है इतनी ही है. आई होप आपको समझ में आई होगी, थोड़ी डिफिकल्ट है, थोड़ी कन्फ्यूजिंग भी है, बट आई होप मैंने अपना मैंने मैक्सिमम कोशिश की है सब कुछ इसको ईजी बनाने के लिए. तो अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. आप जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और अगर आप कुछ क्रिटिक भी करेंगे तो आई जस्ट कीप इन माइंड फॉर द नेक्स्ट टाइम कि अगर कुछ गलती हुई भी है तो मैं उसे ध्यान रखूँगी अगली बार के लिए. सो आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जो है ये पोएम ईजिली समझ में आ जाए.